कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दे दिया जवाब। हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा में हाफ किया, विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस को हरियाणा में जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से हरियाणा की सभी 36 बिरादरी मन बना चुकी हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी पद्धति है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। विधायक बनेंगे, बहुमत मिलेगी, इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो मुझे मंजूर होगा। जब हुड्डा से ये सवाल किया गया कि ऐसा माना जा रहा है कि टिकट वितरण में आपकी चली है और आपने ही सब कुछ डिसाइड किया है और इस बात से कुमारी सैलजा भी काफी नाराज है, तो इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी ने टिकट दी है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का टिकट है, व्यक्तियों का टिकट नहीं है। मैंने नहीं बांटा टिकट, स्क्रीनिंग कमेटी ने रिव्यू किया, केंद्रीय चुनाव समिति ने देखा, उसके बाद उप समिति ने भी समीक्षा की। काफी लंबी प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 90 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन थे। इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट गोल्ड से वंचित रह गई, हालांकि उसका हक बनता था। उसके बाद उसने जो बयान दिया तो मुझे महसूस हुआ कि उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स लवर हूं, अगर गाइडेंस ठीक होती तो 100 ग्राम कोई ज्यादा वजन नहीं है। उसे बहुत मायूसी हुई। उस समय मैंने बयान दिया था और बीजेपी से भी रिक्वेस्ट किया था कि विनेश को राज्यसभा में भेज दो, क्योंकि हमारे पास तो संख्या बल नहीं है कि हम भेजें। इससे उसकी मायूसी थोड़ी कम होती, लेकिन जब वो पेरिस से लौटी तो राहुल गांधी से विनेश और बजरंग पुनिया मिलने गए। उसके बाद दोनों मुझसे भी मिले थे। फिर उन्होंने खबर करी कि हम में से किसी एक को टिकट दे दो, इसके बाद विनेश चुनाव लड़ेगी, ये फैसला लिया गया। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि विनेश फोगाट को टिकट देने का एक ही कारण था। हरियाणा में देश की सिर्फ 2% आबादी रहती है, लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो 38 गोल्ड मेडल आते हैं, तो उनमें से 22 हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं। ओलंपिक में 6 मेडल आते हैं तो 4 हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए होते हैं। कुल मिला के एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा सूत्र रहे। ऐसे में अगर खिलाड़ियों के साथ कोई ज्यादती हो तो उन्हें महसूस हो कि हरियाणा के लोग उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उनके साथ गठबंधन था, हमने उन्हें कुरुक्षेत्र संसदीय सीट दी, लेकिन राज्य स्तर पर कांग्रेस के साथ आपका कोई गठबंधन नहीं था। फिर भी हम चाहते थे कि गठबंधन हो, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं रहा। हमने आपको अच्छी सीटें ऑफर की थी, उनका जितना हक बनता था उससे ज्यादा ऑफर किया था। आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर लड़ी और सब जगह जमानत जब्त हुई। लोकसभा चुनाव से पहले आदमपुर उपचुनाव में उनके प्रत्याशी को 3000 वोट मिले, फिर भी हमने उन्हें ऑफर किया, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन जवाबों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।